एक ही बार में उसने जो है बलिदान अपना दे दिया। और उसके बलिदान के बाद फिर अब हमें बैलों के, बकरों के या पशु पक्षियों के बलिदान की आवश्यकता या उनके लहू की आवश्यकता नहीं रही। ये जो आंगन में हुआ करता था, इनको जरा समझें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 10:8-11 पद तक के विषय में सीखा था कि यूहन्ना को एक जो छोटी पुस्तक दी गई है उसका क्या भेद है। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और 1-3 पद तक के विषय में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1-14 पद तक जब हम देखते हैं तो उसमें 2 गवाहों का वर्णन है, परंतु हम जो है सभी पदों को एक साथ नहीं लेंगे, इसलिए 1-3 पद तक के विषय में जो है पहले स्टडी करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी भेद की बातें जो है वो लिखी हैं। चलिए आइए पहले पढ़ लेते हैं प्रकाशित वाक्य 11:1-3 तक। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। यहां जो है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना, यूहन्ना से कहा गया कि नाप ले। दूसरा पॉइंट है यहां, मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नापना, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है कि उसे 42 महीने तक रौंदे। तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर के 2 गवाह जिनको यह अधिकार दिया गया कि 1260 दिन तक, यानी 1260 दिन का मतलब होता 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। अब यहां जो है परमेश्वर का मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना, परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना, इस भेद को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा परमेश्वर के मंदिर को, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के मंदिर को नहीं समझेंगे हम इस भेद को नहीं समझ सकते। खासतौर से जो उसमें उपासना कर रहे हैं लोग हैं उनको भी नाप ले, उनको कैसे नाप ले, इस भेद को समझने के लिए हमें परमेश्वर के मंदिर को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के मंदिर को नहीं समझते तब तक हम इस भेद को नहीं समझ पाएंगे कि आखिर क्यों प्रभु इनको नापने की आज्ञा दे रहा है। नापने की जो है वो आज्ञा दे रहा है परमेश्वर का मंदिर। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यूहन्ना जो परमेश्वर का मंदिर देख रहा है, जिसके नपाई की बात हो रही है, बहुत से लोग उसको स्वर्गीय मंदिर समझते हैं, मगर मैं इस बात से सहमत नहीं। क्यों सहमत नहीं हूं कि ये स्वर्गीय मंदिर जो है वो स्वर्ग का मंदिर नहीं, पृथ्वी के मंदिर की बात हो रही है, उसके नपाई की बात हो रही है। बहुत से लोग जो हैं ये मंदिर को जो देख रहे हैं, जिसका नपाई का कार्य किया जा रहा है, लोग उसे स्वर्गीय मंदिर को मानते हैं, परंतु मैं क्यों नहीं मानता, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा, जब प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 2 पद को मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, पर इस मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वे अनजातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। जिस मंदिर को नापने का कार्य यूहन्ना को सौंपा गया है वो कह रहा है कि इस मंदिर के आंगन को मत नापना। अब आंगन को ना नापने का मतलब क्या है कि वो अनजातियों के लिए छोड़ दिया गया है कि 42 महीने तक, 42 महीने का मतलब होता है 3.5 साल तक वो उसे रौंदेगी। अब स्वर्ग के मंदिर को अगर नाप रहे हैं उसके आंगन को तो नहीं छोड़ा जा रहा, स्वर्ग में जाकर कौन रौंदेगा,
रौंदेंगे तो इस पृथ्वी पर ना, क्योंकि महाकलेश यहां देखिए 42 महीने का मतलब साढ़े तीन साल का महाकलेश काल जो होगा वो इस पृथ्वी पर होगा, ना कि स्वर्ग में होगा। इन बातों को, इन भेदों को समझें। कभी कभार हम लोग कुछ गलत समझ जाते हैं और परमेश्वर के वचन से अगर आपने जरा सी भी कोई चीज गलत समझ ली तो सब कुछ गलत हो जाता है, सारी चीजें जो हैं वो गलत हो जाती हैं। और इसलिए इन चीजों को समझना। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं जो एजेकेल में दिया गया, जब एजेकेल 40 अध्याय से लेकर 48 अध्याय तक आप पढ़ेंगे, और विशेष तौर से जो है जब एजेकेल 40 अध्याय से लेकर 43 अध्याय तक पढ़ेंगे तो वहां पर स्वर्गीय मंदिर को और उसकी एक एक चीज को जो है वो नापने का वर्णन दिया जा रहा है या दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है उसे। ये ध्यान रखिएगा, नपाई की बात हम आगे करेंगे क्योंकि अभी हम नपाई की बात जो है वो नहीं कर रहे हैं, परंतु यूहन्ना यहां पर जिस मंदिर की बात देख रहा है वो स्वर्गीय मंदिर की बात नहीं है, वो इस पृथ्वी की बात है। परमेश्वर के मंदिर को पहले समझें कि परमेश्वर का मंदिर क्या है। परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा तंबू का मंदिर बनवाया था, उसको पूरा नमूना दिया था, नक्शा दिया था उसको कि किस किस तरीके से बनाना, क्या क्या चीज बनाना, क्या चीज। मैं उन सभी चीजों का वर्णन नहीं करूंगा, मैं मुख्य मुख्य चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा कि परमेश्वर के उस मंदिर के जो थे मुख्य रूप से तीन भाग थे। पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा महापवित्र स्थान। इनको समझें, क्योंकि जब तक इनको नहीं समझेंगे आप, यूहन्ना जिस मंदिर को देख रहा है उस मंदिर में जिस वेदी को देख रहा है और जहां लोग खड़े होकर उपासना कर रहे हैं और जो आंगन दिया जा रहा है रौंदने के लिए 42 महीनों तक, उनके भेदों को आप ठीक से नहीं समझ सकते। इसलिए मंदिर को समझना जरूरी है, इसलिए मैंने मंदिर को लिया है। पहला भाग जो आंगन है मैंने आपको बताया है, यहां पर जो है मुख्य रूप से दो चीजें हुआ करती थी। मैं सभी चीजों का वर्णन नहीं कर रहा हूं, मुख्य रूप से बता रहा हूं। इसलिए होम बलि की वेदी और पीतल की मंदी के बारे में, होम बलि की वेदी जो है जब आप निर्गमन 27:1-8 पढ़ेंगे और निर्गमन 40:6 तक आप पढ़ सकते हैं, होम बलि वेदी का अर्थ है, होम बलि की वेदी का अर्थ है कि स्वयं को समर्पण करना। यह वेदी हमारे खुद के समर्पण का प्रतीक है, क्योंकि यह वेदी हमारे पापों का जो है मुख्य प्रतीक थी, जिस पर हमारे पापों के लिए बलिदान किए जाते थे। ये वो वेदी है जिस पर पापों के लिए जो है बलिदान किए जाते थे, प्रायश्चित किया जाता था, पश्चाताप किया जाता था हमारे पापों को दूर करने के लिए, ये वेदी वो है। परंतु यीशु मसीह के बलिदान के बाद ये पशु बलि समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों 10 अध्याय उसका 4 पद, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर सके। ये सच है कि बैल और बकरों का जो लहू है वो हमारे पापों को दूर नहीं कर सकता था, इसलिए हर साल उस वेदी के ऊपर हमारे पापों के लिए उन बैलों और बकरों को जो है बलिदान किया जाता था। परंतु यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद, क्योंकि उसका लहू इतना पवित्र, इतना शुद्ध है कि उसने एक ही बार में हमारे सब पापों को जो है, सब अपराधों को दूर कर दिया, और यीशु मसीह का ही लहू जो है वो दूर कर सकता था। इसलिए ये जो बलिदान है ये सब समाप्त हो चुके हैं, सारी चीजें जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। यहां पर जो है हम मुख्य रूप से एक चीज और पढ़ लेना चाहते हैं, इब्रानियों 9 अध्याय और उसका 25-26 पद है, यहां इस प्रकार से लिखा है, ये नहीं है कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वे एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। मैंने कहा ना कि अब बार बार बलिदान होने की आवश्यकता यीशु मसीह को नहीं है, तो इसका मतलब वो हर साल आता, हर साल बलिदान होता, हर साल आता, हर साल, वो एक ही बार में उसने जो है बलिदान अपना दे दिया, और उसके बलिदान के बाद फिर अब हमें बैलों के, बकरों के या पशु पक्षियों के बलिदान की आवश्यकता या उनके लहू की आवश्यकता नहीं रही।
ये जो आंगन में हुआ करता था, इनको जरा समझें अच्छे से। फिर है पीतल की औंधी के बारे में, निर्गमन 38:8, निर्गमन 40:30 आप पढ़ सकते हैं। पीतल की औंधी का भेद जो है, ये नए जन्म के स्थान का जो है प्रतीक है, तथा पवित्र आत्मा का नवीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। ये जल शुद्धि का कारण है जिसके लिए ये रखा जाता था। आप यौना 2 अध्याय उसका 6 पद को पढ़ेंगे कि यीशु मसीह जब गया तो वहां पर 6 मटके जो है वो शुद्धि के लिए रखे हुए थे, वहां पर उसका वर्णन दिया गया है। परंतु यहाँ जल की जो बात हो रही है, जो हौंदी है जिसमें जल रखा जाता था, वो बड़ा मायने है। क्या है? यौना 3:5 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वे परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। सबसे पहले क्या है कि जब वो आंगन में प्रवेश करते थे तो अपने आप को उस जल से धोते थे, शुद्ध करते थे, उसके बाद वो बलिदान चढ़ाने जाते। ये प्रक्रिया जो है आंगन में होती थी। इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जल और आत्मा से जन्म लेना जो है वो उसका प्रतीक है, पवित्र आत्मा से जन्म लेना, जल से जन्म लेना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी अपनी कलीसिया को जल से धोकर शुद्ध करना चाहता है। चलिए मैं पढ़ देना चाहता हूं, क्योंकि बरबली बताना जो है वो बातें ठीक नहीं है। मेरे साथ निकाल सकते हैं आप इफिसियों 5 अध्याय उसका 26:27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आप ध्यान दीजिएगा कि उसको, उसको मतलब किसको, किसको जल के द्वारा स्नान करके और उसको पवित्र बनाए। 27 और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है कि जल के स्नान के द्वारा कलीसिया को, कलीसियाओं को नहीं, कलीसिया को पवित्र बनाए, उस दुल्हन को, उन बुलाए हुए लोगों को जो है जल के स्नान के द्वारा पवित्र बनाए। और ये जल जो है किसका, नए जन्म का प्रतीक है। और जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह है। कि अपने आप को यीशु मसीह से धुलवा कर हम पवित्र बने, ताकि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई कलंक, कोई झुर्री, कोई चीज ना हो। याद रखें इस बात को कि आंगन, अभी हमने सिर्फ आंगन और उसमें मुख्य रूप से जो चीजें हैं उसका वर्णन किया गया है। अभी पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान है, उसमें जो चीजें हैं उन चीजों का भी वर्णन करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक प्रभु आप सबको आशीष दें।